करते थे तब की, और आज 4 साल हो गए शादी को और एक दूसरे को जानते हुए कितना टाइम हो गया याद भी नहीं, क्योंकि मुझे वो टाइम याद ही नहीं जब मैं नहीं जानती थी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो यही है हमारी कहानी, और आइए आज मैं आपको लेके चलती हूँ ये सब कैसे शुरू हुआ, हम कैसे मिले, और ये सरप्राइज है मेरे हस्बैंड के लिए भी, बिकॉज 4 साल में ये फर्स्ट टाइम है कि हम हमारी एनिवर्सरी साथ में नहीं मना रहे हैं। तो ये छोटा सा सरप्राइज है उनके लिए भी और आप सबके लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट। ये तब की बात है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, पापा का नया नया ट्रांसफर हुआ था और सब कुछ नया था, नया स्कूल था, पुराना स्कूल छूट गया था, और मैं बहुत अपसेट थी बिकॉज मेरे फ्रेंड्स, मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरा सब कुछ छूट रहा, सब कुछ छूट गया था। पर किसको पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा मेरा वेट कर रहा है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। और मेरे हस्बैंड आज भी ये बोलते हैं कि यार अगर तुम नहीं, अगर पापा का ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो मेरा क्या होता। नाउ आई ऑल्सो बिलीव कि यार ही इज राइट, अगर वो नहीं हुआ होता तो पता नहीं क्या होता। शायद 3rd या 4th डे था स्कूल का और मैं किसी प्ले की रिहर्सल कर रही थी, एंड ही सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही स्टिल सेज कि इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। और मुझे आज भी इस बात पे बिलीव नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं लगा कि मुझ में ऐसा कुछ है कि लव एट फर्स्ट साइट हो सकता था, बट ही वेरी स्ट्रांगली बिलीव्स इट एंड ही स्टिल बिलीव्स दिस। तो ऐसे हमने एक दूसरे को पहली बार देखा, एक्चुअली उन्होंने मुझे पहली बार देखा। अब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, मैं तो नहीं जानती थी बिकॉज हमारे सेक्शंस भी अलग थे, हमारे फ्रेंड्स भी अलग थे। पर मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते थे कि दूसरे सेक्शन में कोई एक लड़का है जो तुम्हें बहुत लाइक करता है, एंड दैट वॉज अ बिग इनफ रीजन फॉर मी कि आई स्टार्टेड हेटिंग हिम विदाउट इवन नोइंग हु ही वॉज, बिकॉज मुझे लगा यार ऐसे कोई, अगर ऐसा कोई लड़का है देन ही कैन नॉट बी, आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद हिम। हमारी फ्रेंडशिप एक्चुअली तब हुई जब ही गॉट प्लेस्ड आफ्टर कॉलेज, आफ्टर आवर बीटेक, एंड आई वॉज डूइंग सम प्रिपरेशंस, और वो टाइम था जब हमारे लॉन्ग ISD कॉल्स स्टार्ट हुए, लॉन्ग लेट नाइट कॉल्स, एंड तब सडनली लगा कि यार कोई बंदा अगर मुझे 2 घंटे ISD कॉल कर सकता है जस्ट टू नो मी हाउ आई एम, हाउ एम आई फीलिंग, कुछ तो बात होगी, कुछ तो सच्चाई होगी। एंड दैट वॉज द ईयर, सेम ईयर ऑन 14th Feb, लाइक वी वर टीनेजर्स दैट टाइम, और जैसे हर टीनेजर को 14th Feb वाला एक्साइटमेंट होता है, हमें भी था। मैंने पूछा यार मुझे जो स्कूल में सुना था वो एक्चुअली सच है क्या, या वो आज भी है क्या? And to his shock, he was shivering, he says, and he told me yes, हाँ है तो। And और फिर उसी दिन हमारी लड़ाई हो गई, and he thought ये कोई सपना था जो मैं देख रहा था, क्योंकि इतने सालों बाद अगर पूछा भी और अगले ही दिन लड़ाई हो गई और फिर हमने काफ़ी दिन बात नहीं की, तो he thought कि ये कोई सपना ही था। But no, it was not a dream. I actually started liking him. I actually proposed him. फिर start हुआ हमारा long distance relationship जो कि बहुत लंबा चला। I started doing my PG and then I got placed. फिर I worked for 3 years और इतना लंबा चला हमारा long distance relationship, which was going well, very well, जो कि लोग shocked होते थे कि यार long distance इतना लंबा नहीं चलता, but I don't know how we managed. Or then the 13th of July 2016 was the day when we got married. हमने घर में सबको बताया, घर में मनाया, and everybody agreed. And actually everybody agreed very easily. हमें बहुत ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा. और 13th July को, as I said, we got married. उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा, I was continuing with my job और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. Then we planned to shift to a place जहाँ पे we can stay together with our own house. और तब मैं change हुई एक carefree daddy's girl से एक homemaker में, जहाँ जिसका सबसे बड़ा tension जब बारिश होती थी तो ये होता था कि यार बाहर कपड़े टले कहीं भीग ना जाए, और लाइफ का सबसे बिगेस्ट वरी होता था कि आज खाने में क्या बनाना है, आज क्या खाना है, एंड दिस इज हाउ आवर हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्टेड। और जो सबसे बिगेस्ट सरप्राइज आया आफ्टर मैरिज वॉज वी स्टार्टेड फाइटिंग लाइक कपल्स,
बिकॉज दिस वॉज समथिंग आई नेवर थॉट ऑफ. मुझे लगा ये हमारे साथ कभी होगा ही नहीं, बट हुआ एज यूजुअल. और हर कपल के साथ होता है. आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ मैरिड लाइफ. और फिर आया 24th March 2019, आफ्टर 3 years ऑफ आवर मैरिज, आवर एंजल, आवर डॉटर वॉज बॉर्न. और हमारी बेटी होने के बाद टाइम कैसे निकला, एक साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला. टाइम वॉज जस्ट फ्लाइंग विद विंग्स, इट वॉज फ्लाइंग सो फास्ट. और एक साल हो गया, हमारी बेटी एक साल की हो गई. एंड देन केम March 2020 एज वी ऑल नो. एंड एक्चुअली उसके बर्थडे का प्लान मैं 5-6 months से कर रही थी. ये करना है, वो करना है, बहुत सारे प्लान्स थे. क्योंकि हमारा पहला बेबी है और हमारा उसका पहला बर्थडे है, हमारे पेरेंट्स बनने का पहला साल था. इट वॉज वी वर सुपर एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग. वी हैड सो मेनी प्लान्स, बहुत कुछ सोच के रखा था. बट गॉड हैड सम वेरी डिफरेंट प्लान्स. और 22nd March को द जनता कर्फ्यू हैपेंड. माई हस्बैंड इज एक्चुअली पोस्टेड समवेयर एल्स एंड आई एम स्टेइंग विद माई पेरेंट्स राइट नाउ. तो ही वॉज अबाउट टू कम ऑन 21st, बट सारी ट्रेन्स सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई एंड ही कुडंट कम. एंड टिल टुडे वी आर वेटिंग फॉर हिम टू सेलिब्रेट आवर बेबीज बर्थडे एंड नाउ इवन आवर एनिवर्सरी टुगेदर. आई विश दिस ऑल एंड सून एंड ही गेट्स टू कम होम सून. एंड आई नो हम मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं. तो आई जस्ट प्रे कि ये सब जल्दी ख़त्म हो एंड वी गेट टू मीट आवर फैमिली आवर फ्रेंड्स वेरी सून. और ये थी मेरी छोटी सी लव स्टोरी, एक लव स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू रियल सून. बाय बाय.